हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है हमारा एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे विलन सागर सीजन 2 के पहले एपिसोड को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम होता है स्लेव। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो कि हथियार बना रहा है, और बैकग्राउंड से आवाज आती है जो कि कह रहा होता है, भर दो अपने शरीर में, भर दो जमीन में, भर दो समुद्र में, भर दो अपनी दुश्मनों में, भर दो बंदी बनाने वाले में, भर दो भर दो भर दो। और इसके बाद हमें और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा जो कि अखाड़े में जीत जाता है, और वो पूरी खून से सनी हुई रहता है, और वो अपने बच्चे के पास जाती है और वही खून से सने हुए हाथों से अपने बच्चे को टच करता है। और बैकग्राउंड से तभी आवाज़ आती है जो कि कह रहा होता है, यार वो गर्म जोशी मुझ में भर दो। इसके बाद हमें दूसरी सीन देखे जाता है जहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है इनर, और वो कुल्हाड़ी लेके पेड़ के ऊपर वार करता है, और वो देख के काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसने काफी गहरी गेट लगाई होती है पेड़ के ऊपर। और उसकी तभी मम्मी उसके आती है और छुरे से उसको मारती है। तो इनर गुस्से से कहता है, मम्मी क्या कर रहे हो? तभी उसकी मम्मी कहती है, मैं भी यही सवाल करना चाहता हूँ, क्या कर रहे हो तुम? पेड़ काट के क्या हमारे घर पूरी तबाह करना चाहते हो? और उसके बाद इनर की बहन आती है लोटा, और इनर से कहते हैं, भैया क्या आप लकड़हारा बनना चाहते हो? तो इनर कहते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देती क्या? मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ जिम में जाने के लिए, मेरी ताकत देखो। तभी इनर की मम्मी कहते हैं, तुम भले ही शरीर से हट्टे कट्टे हो लेकिन तुम जंग में इतने ही बेकार हो। और इनर की मम्मी कहते हैं, चलो आओ खाना खा लो अभी। और तभी इनर और लोटा चले जाते खाना खाने के लिए। और तभी इनर पूछते हैं अपनी मम्मी से, मम्मी आपने मुझे छुरे से क्यों मारा? आपके पास तो चम्मच बर्तन भी थे, तो उससे भी तो मार सकते थे। तो इनर की मम्मी कहती है, तुम्हें अगर मैं बर्तन से मारता क्या तुम्हें शोभा देती? और इसी बात पे सभी हंसने लगती है। और लौटा अपने मम्मी से पूछते हैं, क्या मम्मी सर्दी आने से पहले भालू को बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है? तो इनर की मम्मी कहती है हाँ। तो इनर के मम्मी इनर से पूछते हैं, तुम अचानक जंग में लड़ने के लिए तैयार क्यों होने लगे? जहाँ पर इनर कहता है, मुझे इस जगह की रक्षा करनी है और इसे मैं फिर से तबाह होने नहीं दूंगी। अगर मेरी जगह मेरे पिताजी भी होते तो वो भी यही करते। तो लोटा बात को घुमाने के लिए कहती है जोर से, अरे ये दूध तो काफ़ी अच्छी है। तो इनर की मम्मी कहती है, वो अच्छा लगता है उसे गाय भैंसे को दूध अच्छे से निकालना आता है। तभी इनर भी कहने लगते हैं, अरे मेरे बात तो सुनो। तो इनर की मम्मी कहते हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो। तो इनर कहता है, क्या आपको दुख नहीं होती? क्या हम हमेशा हार जाते हैं? हमें बचाते हुए पिताजी अपनी जान कुर्बान कर दी। तो इनर की मम्मी कहते हैं, वो तो है, और तभी तो तुम जिंदा हो, और तुमने ये गांव फिर से बनाया, और तुम अभी हमारे साथ खाना खा रहे हो, तो हम बिल्कुल नहीं हारे। और इसके बाद में गांव की शांति भरे माहौल को दिखाया जाता है जहां पर लोग काफ़ी खुशी से अपने वक्त गुजारते हैं और सभी खुशी से रहते हैं। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं जहां पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और विलेज पे आग लगा देते हैं, और जितने बूढ़े बच्चे हैं सभी को मार दे रहे हैं, और जो शरीर से हट्टे कट्टे हैं उन सभी को बंदी बना रहे हैं। और इसी वजह से विलेज में पूरी अफरा तफरी मच जाती है और लोग भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और इस तरफ इनर की फैमिली झाड़ों के पीछे छुपी रहती है, और इनर की मम्मी लोटा से कह रही होती है जंगल की तरफ भागे और नदी के बहाव के साथ भागे। तो यहाँ पर इनर अपनी बहन को हौसला देने के लिए कह रही होती है, मैं अर माँ तुम्हारे साथ है तो कुछ नहीं होगा। और सब लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। तभी एक तीर आती है और इनर की मम्मी को लगती है, और वो जमीन में गिर जाती है। तो यहाँ पर इनर कहती है माँ, और ये सुन लेती है लोटा, और वो वापस आने लगती है। और इस तरफ इनर अपनी मम्मी को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उठ नहीं पाती क्योंकि उसे तीर काफी गहरी लगी है। और इनर के मम्मी इनर से कहता है, वो उसे यहीं पर छोड़ के भाग जाए, वो नहीं बचेगी। जहाँ पर इनर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, आपको साथ लेके ही जाऊंगा। और लोटा तभी अपनी मम्मी के पास आ जाती है, और अपनी मम्मी की हालत देख के वो काफी ज्यादा रोने लगती है। और उसकी मम्मी लोटा को कहती है हंसते हुए, पागल लड़की। और कुछ लुटेरे आने लगते हैं और कहते हैं, अरे इधर तो लड़कियां हैं। तो उनमें से एक बंदा कहता है, लड़कियों हम आ रहे हैं, और हंसते हंसते आते हैं वो लोग। और ये सुन के इनर की मम्मी इनर और लोटा को बचाने के लिए इनर को एक पेट में पंच मारती है और कहती है, यहाँ से जल्दी भाग जाओ, वो लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर इनर कहते हैं, पर माँ। जहाँ पर इनर की मम्मी कहती है, एक मरती हुई बुढ़िया भी मुकाबला कर सकती है, खुद को बचाओ, जब तक तुम जिंदा हो तब तक खुद को बचाओ। और ये बोलते हुए इनर की मम्मी इनर के कॉलर से धीरे धीरे हाथ छूटने लगती है, और वो धीरे धीरे मरने लगती है, और वो मरते वक्त लास्ट बार अपने बच्चों का नाम लेती है, लोटा इनर, और मर जाती है। और ये देख के लोटा और इनर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वो लुटेरे उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं, अरे ये लोग तो अभी भी नहीं भागे। तभी दूसरे लुटेरे कहते हैं, अरे तुम्हारे मम्मी तो मर गए, तुम हमारे साथ आओ। और जबरदस्ती लोटा को उठा के ले जाते हैं। तो इनर अपनी बहन को बचाने के लिए कुल्हाड़ी उठाती है उनके ऊपर वार करने के लिए।
तभी लुटेरे कुनी से इनर को बहुत जोर की मार पड़ती है और उसे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता और धीरे धीरे वो बेहोश होने लगती है। तो वो लोग लोटा को ले जाते हैं इनर के सामने। तो यहाँ पर लोटा अपनी हेयर पिन निकालती है और पीठ में वार करते है। तो वो लुटेरा भी लोटा को फेंक देते है जमीन में और अपनी तलवार निकालते है और लोटा को मार देती है। तो दूसरे लुटेरा कहने लगते है अरे तुमने सब खराब कर दिया। तो पहला लुटेरा कहते है अरे उसने मुझे सुई से मारा। तो तीसरे लुटेरा कहता है वो अब लड़की हमारे कोई काम की नहीं, तुम बहुत बड़े गधे हो। और उसके बाद वो लुटेरे इनर को घसीट के ले जाते हैं उसके बेचने के लिए। और इनर अपनी माँ और बहन की लाश देख के बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद हमें एक टेक्स्ट दिखाते हैं जहाँ पर लिखा रहता है एक बंजर जमीन में जैसा एक पेड़ रहता है वो धीरे धीरे उसकी पत्ते डाली सूख के ख़त्म हो जाते गायब हो जाते हैं, वैसे एक इंसान जिसे कोई प्यार नहीं करता वो लंबी उम्र लेके करेगा क्या। उसके बाद हम देखते हैं एक बोट जो कि समुद्र के तूफान में सफर कर रहे होते हैं और उसके अंदर इनर भी होता है और उसके सामने एक लड़के होते हैं जिसका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहते हैं। और एक लड़का आता है उसकी मुंह चेक करता है और कहता है ये वहाँ तक नहीं बचेगी तो इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। और वो दोनों मिलके उस लड़की को समुद्र पानी में फेंक देते हैं। तो इनर भी वहाँ पर जाता है और उसे बचाने के लिए लेकिन वो लड़की काफ़ी दूर चले जाते हैं और डूब के मर जाती है। और इनर उस लड़के से पूछता है तुमने ये क्या किया। तो वो लड़का इनर को काफी जोर से मारता है और कहता है तुमसे मतलब क्या। एक आदमी सारे स्लेब के पास जाता है और उनसे कहता है सर्दी से बच के रहना, कोई भी बीमार मत होना क्योंकि हम तुम्हारे लिए काफी खर्चे कर रहे हैं, तब तक हेल्दी रहना जब तक तुम्हें कोई खरीदार खरीद ना ले। और इनर समुद्र की तरफ देखता है और समुद्र काफी भयंकर अपना रूप ले चुकी होती है और इनर को काफी गुस्सा आता है लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है और अपनी माँ की बातों को याद करता है और कहता है मुझे जिंदा रहना है, मुझे बच के रहना है। उसके बाद हमें एक गांव दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्लेब को अच्छे से नहलाया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है और उन सभी को तैयार किया जाता है ताकि उनको बेच सके। और उसके बाद उनको बेचने के लिए ले जाता है और एक खरीदार आता है और इनर को देखता है और उसे मुँह दिखाने को कहता है और उसकी दाँत देख के वो खरीदार चला जाता है। और इनर भी मौका दे के वहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे भूख लगती है तो वो खाना चोरी करने के लिए सामने घर की तरफ जाता है और वहाँ पर खाना लेता है। तभी एक लड़की आती है और उसे देखती है और कहने लगता है चोर चोर पकड़ो पकड़ो और यहाँ से इनर भागने लगता है। तभी वो बोर्ड वाला बंदा आता है और उसे कहता है तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या। उसके बाद हम देखते हैं इनर को जहाँ पर उसके हाथ बंधे रहते हैं और उसके ऊपर काफ़ी जुर्म होती है और सारे स्लेब को कहा जाता है देख लो इसकी हालत, अगर कोई यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो यही हालत होगी उसकी। और उनसे कहते हैं कान खुल के सुन लो गुलामों, तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते क्योंकि यहाँ से तुम्हारे घर बहुत ज़्यादा दूर है और तुम चाहे जितने भी कोशिश कर लो तुम वहाँ तक नहीं पहुँचोगे और यहाँ से कोई तुम्हारी मदद भी नहीं करेगी क्योंकि तुम गुलाम हो जिनके पास एक खोटी कोड़ी तक भी नहीं है। दुआ करो तुम्हें एक अच्छी मालिक मिल जाए और उसकी सेवा करो और यहाँ से भाग के भिखारी बनने से अच्छा तुम्हें खाना गुलाम बनकर मिलेगा। और यहाँ से भागने से पहले तुम अपनी अंजाम देख लो। और उसके बाद एक बूढ़ा आदमी आता है चाबुक लेके और इनर को बहुत मारने लगता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्लिप को बेचा जाता है। वहाँ पर एक खरीदार आता है और इनर को देखता है और उसे सारे शरीर को छू के देखता है और कहता है क्या तुम्हारे पास क्यूट से लड़के नहीं हैं। तो आदमी कहता है चलो मैं तुम्हें क्यूट से लड़के दिखाता हूँ और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। और इनर कल के कही बातों को याद करता है और कहता है उसने सही कहा, अगर मैं यहाँ से भाग भी जाऊँ तो मुझे नहीं पता मुझे जाना कहाँ है और ऐसी कोई जगह बची नहीं मैं जहाँ जा सकूँ सिवाय किसी की मैं गुलामी करूँ। इसके बाद हमें एक गंजे आदमी को दिखाई देता है जो कि किसी को स्लेब मार्केट में ढूंढ रहा होता है। वो एक्चुअल में होता है एरिक्सन होता है जो कि थॉर्पिन को ढूंढ रहा होता है। और इनर को दिखाया जाता है और कहता है अरे ध्यान से देखिए यही तो उसके जैसा है। तो एरिक्सन कहता है अरे ये नहीं है, ना ही ये गोरा है ना ही ये छोटा है। और वो आदमी कहता है अरे ये वो नहीं है तो क्या हुआ, इसे ध्यान से देखो ये कितना हट्टाकट है और ताकतवर है। जहाँ पर एरिक्सन कहता है चुप करो मैं यहाँ पर स्लेब खरीदने नहीं आया, मैं अपने रिश्तेदार को आज़ाद करने आया हूँ, मुझे पूरा यकीन है उसे इसी शहर में लाया गया था, वो गोरा और हाइट में छोटा है, उसका नाम है थॉर्पिन, क्या तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है वो कहाँ पर हो सकता है। तो वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता। और एरिक्सन इनर को पकड़ता है और कहता है माफ़ करना तुम्हें मैंने परेशान किया और ये बोलकर चला जाता है एरिक्सन। और इनर अपने मन में सोचता है ये अपने रिश्तेदार को ढूंढने आया था, जो भी होगा बहुत खुश नसीब होगा। तभी एक दूसरी खरीदार आता है स्लेब खरीदने के लिए और इनर को कहता है इधर देखो क्या तुम बोल सकते हो, अपने दांत दिखाओ। और इनर अपने दांत दिखाता है और खरीदार अपने हाथ इनर के कंधे में रखता है और उसकी मसल चेक करता है और इनर से पूछता है तुम पहले कहाँ से थे और पहले करते क्या थे। और इनर कहता है मैं उत्तरी इंग्लैंड में रहता हूँ और मैं पहले किसान था। और वो आदमी थोड़ा सा सोचता है और कहता है इनर से
क्या तुम मेरे खेतों में काम करना चाहते हो? और इनर को पुराने दिनों को याद आता है और उस आदमी के साथ चला जाता है और इनर समुद्र की तरफ देखता है। वो आदमी अपने खेत दिखाने के लिए इनर को अपने पास बुलाते हैं, तो इनर उसके पास जाता है और वो अपनी खेत दिखाते हैं इनर को, तो वो देख के इनर काफ़ी चौंक जाता है और वो सारे अपनी फैमिली के मोमेंट को याद करता है और मनी मन में कहता है, जिंदा रहूँ या मर जाऊँ फिर भी मैं इस जगह से आज़ाद नहीं हो सकता। क्या आपको अभी भी लगता है माँ के मैं अभी सब कुछ नहीं हारा? और सभी लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं और हमें एक कुल्हाड़ी का सीन दिखाया जाता है जो कि पेड़ काट रहा होता है, तो वो आदमी कहता है, मैं आ गया हूँ अब बाहर आ जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है थॉरफिन को, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है, और इनर उस लड़के को देख के चौंक जाता है और कहने लगता है, इस तरह मैं और थॉरफिन मिले। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इनर किसी को ये स्टोरी बता रहा होता है, किसे बता रहे हैं जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे वाले वीडियो आपको मिल सके।